नमस्कार। आज इस वीडियो के अंदर जो कल जो चीजें हुई, जो घटना हुई, उनके सिलसिलेवार में आपको कुछ चीजें बताने वाला रहा हूं। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। काम की चीजें हैं, जो आपने डाउट्स मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखे हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा। दो तीन डाउट्स मेजर हैं कि पहला जो आमतौर पर क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मेरी जगह अगर आप होते तो क्या करते। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली गाइड करना चाहूँगा। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक उन जिनके मन में ये है कि मैं अगर पेपर होगा तो फाड़ डाल लूँगा, 100 ले आऊँगा, 98 ले आऊँगा, तो उनको पेपर देना चाहिए। लेकिन अगर एवरेज बच्चा है तो उम्मीद है कि 80-85% आ जाएंगे या किसी तरह आराम से पास हो जाएंगे, उन बच्चों को एग्जाम नहीं देना चाहिए और अभी से उनको सोच लेना चाहिए और आगे की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं ये करता। अब दूसरी बात जो आपकी है ये है कि मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो ये अभी तक वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये उन्होंने बस रटा रटाया वर्ड जो क्राइटेरिया एक पकड़ लिया, जो CBSE ने दिया था उनको क्राइटेरिया, उसको बाकी चीजें नहीं पकड़ी, बस क्राइटेरिया पकड़ दिया। अनबायस क्राइटेरिया का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बच्चा एग्जाम देता है तो उसको नंबर मिलेंगे उस हिसाब से जो वो करके आएगा, लेकिन जो बच्चे एग्जाम नहीं देते हैं उनके भी एक प्रोसीजर के हिसाब से बिना किसी भेदभाव के प्रोसीजर जो ICSE बोर्ड बनाएगा, उस प्रोसीजर से जो भी प्रोसीजर वो बनाते हैं, अभी कोई प्रोसीजर सामने नहीं आया है, 1 जून के आसपास मतलब आएगा, तो उस प्रोसीजर के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। हाँ, अनबायस का मतलब यह है कि ये नहीं देखा जाएगा कि किसने एग्जाम नहीं दिए तो इसको इसका बैंड बजा दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। नॉर्मल जिस तरह से मार्क्स मिलने चाहिए उस तरह से मिलेंगे, ठीक है। और वो कई चीजें उसमें देखी जा सकती हैं जो कि आगे जैसे ही वो आता है कोई क्राइटेरिया देंगे तब उसके बाद में हम लोग उसके बाद में बात कर सकते हैं, अभी अंदाजा लगाने के कोई मतलब नहीं है। अगली चीज जो है वो ये है कि रिजल्ट पहले आ जाएगा या बाद में आ जाएगा, तो ये भी अभी तक कोई मतलब अभी खबर नहीं है। पहले वो आपसे एक रिपोर्ट मांगेंगे, एक स्कूलों से रिपोर्ट मांगेंगे कि कौन बच्चा देगा कौन बच्चा नहीं देगा, उसके बाद वो रिजल्ट के बारे में बात होगी। तो उसके बारे में भी अभी बात करना जल्दबाजी है, तो रिजल्ट कब आएगा वो अभी तक अभी नहीं मालूम है। हाँ, लेकिन उनसे पहले आ जाना चाहिए रिजल्ट, हो सकता है या साथ में आएगा या उनसे पहले आएगा, ठीक है। तो अभी इसके बारे में भी मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं बता सकता। अब कुछ चीज़ें मैं आपको ये बता दूं कि वो जो मैंने पिछले सुबह वीडियो में मैंने बताया था कि CBSE जैसा ही होने वाला है, तो जो मेरा सोर्स था उसको मैंने ये पूछा कि आपने ये बताया था ये हुआ, तो उसने कहा कि भैया इतनी डिटेल में बातें नहीं हो पाती है और वो डायरेक्ट जुड़े हुए लोग सारे नहीं होते ऑफिस के अंदर। उसने किसी जो ऑफिशियल से पूछा और उसने उसको बताया कि हाँ जैसे CBSE जैसा ही लगभग है, तो उसने मेरे को बताया। और वो दो तीन बात लोगों के बात में बीच में बात आती है, थोड़ी बहुत उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसने ये ही कहा था कि CBSE की तरह वही है, जिसको देना है वो दो, ना देना हो ना दो, इतनी डिटेल में उसने नहीं ना समझा ना बताया, तो इसलिए वो थोड़ी सी मिस्टेक हुई। हालांकि मेरे पास में ये खबर थी कि CBSE तरह की ही बात होने वाली है। तो ये 3-4 बातें हैं। दूसरा, आप चिंता मत करिए, जो बच्चे एग्जाम नहीं देंगे उनको भी अबव एक्सपेक्टेशन, आई रिपीट, अबव एक्सपेक्टेशन मार्क्स मिलेंगे। मतलब जितना आप सोचते हो, जितना आपका अब तक का लगभग आते रहे हैं, जो उम्मीद आप कर रहे थे कि बोर्ड में मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, उस हिसाब से उससे ऊपर ही मिलेंगे, उससे कम नंबर नहीं मिलेगा। एक्सपेक्टेशन आप 100 की कर लो, 70 की आपकी वो है तो वो तो अलग बात है, लेकिन आप अगर ईमानदारी से सोचोगे तो उस हिसाब से अबव एक्सपेक्टेशन मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप एग्जाम नहीं दोगे तो भी, क्योंकि वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्कूल से ही जुड़े होंगे, कोई भी स्कूल अपने बच्चों का नुकसान नहीं करेगा। एक और बात जो है वो ये है कि हाँ, ICSE ने बच्चों को फंसा तो दिया है, और ये मेरे पास कल की रिपोर्ट है, कई स्कूलों ने आगे दोबारा से प्री बोर्ड अपने ऑनलाइन वगैरह शुरू कर दिए हैं, और स्कूल जल्दी सी ये बात नहीं मानेंगे कि एग्जाम बच्चे ना दें, तो ये एक प्रॉब्लम आई है और वो सभी के साथ आएगी, वो टीचरों के साथ भी आएगी, वो बच्चों के साथ भी आएगी। तो प्रॉब्लम तो हुई है, CBSE की तरह नहीं हुआ है, सही बात है, डिफरेंस है उसके अंदर, जो मैंने डिटेल स्टडी करी है, जो इधर उधर बात करी है, तो ये सारी बातें सही है। तो जो भी हुआ है गलत करा है ICSE ने, और मेरे ख्याल फंसा के छोड़ दिया उन्होंने, ये मतलब कोई तुक नहीं होता, और इट वॉज रॉन्ग, ठीक है। थैंक यू सो मच।